नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह। क्या रणनीति होगी आपकी पार्टी की? कल बजट से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सेशन में हम लोग पूरी सरकार को चाहते हैं कि सरकार मुद्दे पर आए। कोशिश कर रही है सरकार कि हम मुद्दे से भटकाओ। हम चाहते बहस हो, वह शराबबंदी का मामला हो, कोरोना एक काल में जो जांच का जो घपला है उस पर बहस हो। हम लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और इस राज्य बिहार राज्य देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला राज्य है। हमारे जो सीमांचल के राज्य उनसे 5 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बहस हो कि आप कर क्या रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी केवल आप कुर्सी कुमार के रूप में विख्यात होना चाहते हैं कि राम पूरा बिहार का विकास भी आपके एजेंडे में है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि कोरोना को लेकर सर्वदलीय कमेटी बननी चाहिए। जब ये सवाल हमने डिप्टी सीएम तारकिशोर से पूछा तो वो बिना जवाब देते हुए चले गए। यह विधानसभा में आश्वासन था सरकार का। जो तेजस्वी जी का जो सवाल है वह पिछले सत्र में बिहार सरकार ने सदन के भीतर आश्वासन दिया था और हम लोग मानते हैं कि सदन के भीतर जो सरकार का जो आश्वासन होता है उससे बड़ा दुनिया में कोई भी आश्वासन नहीं होता। सरकार मुकर रही है, परिणाम क्या निकला? बिहार में एक नया घोटाला हुआ, जांच के नाम पर एक नया घोटाला हुआ। अगर सरकार कमेटी बना देती होती सर्वदलीय तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। स्वास्थ्य सचिव कहते हैं उनके लिए नंबर इम्पोर्टेंट नहीं रहता, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति का जो जाँच है वो हुआ है। स्वास्थ्य सचिव जो कह रहे हैं वह अपने किए हुए जो कार्य हैं, जो कुकर्म कहिए, उसको पर्दा डालने की बात कर रहे हैं सरकार के द्वारा। जो चूँकि उनके पूर्ववर्ती भी जो 3 सचिव रहे लगातार हटाते गए। क्यों? 3 प्रधान सचिव हटाया गया कोरोना काल में स्वास्थ्य का, इसको तो जवाब देना होगा ना सरकार को। क्यों हटा रही थी? अगर पहले वाले ठीक थे, उनके राज में ठीक चल रहा था तो क्यों हटाए गए? ये अपनी बात कर सकते हैं, उनके राज में क्या हुआ, ये सबका सफाई किसे दे रहे हैं प्रधान सचिव? और कौन से मुद्दे होंगे जो बजट सत्र में उठाए जाएंगे? दारूबंदी का सवाल है लगातार बिहार में। तो नीतीश कुमार कह रहे निलंबित कर दिया जाएगा डायरेक्ट अगर पकड़े गए पुलिस। मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ कि भाई कैमूर जिला में 3 आदमी दारू पी के मर गया, आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा घटना है मैं बता रहा हूँ, कुड़ासन गांव में, भगुआ ब्लॉक के कुड़ासन गांव में 3 लोग मरे, FIR दर्ज हुआ, शराब बेचने वाले को जेल भेजा गया, लेकिन किसी पुलिस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई आपका दिखता नहीं। कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं नीतीश कुमार एकदम। हाँ, कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है, डपोर्सन की सरकार। लेकिन वो तो बोलते हैं हम तो काम करते रहते हैं, फिजूल बयानबाजी से हम दूरी रहते हैं। भाई मैं तो कह रहा, आप पूछिए उनसे, हम जो कह रहे हैं ये तो रिकॉर्ड में है, मीडिया ने अखबार भी छापा, पूरे प्रदेश में बात गई, कहाँ कार्रवाई है? एक सिपाही पे भी कार्रवाई नहीं है। धान खरीद पर आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि इच्छुक लोग चाहे तो धान बेच सकते हैं और आपने डेट नहीं बढ़ाया, और आप अभी की आधे किसान बिहार के रह गए धान खरीद नहीं बेच नहीं पाए सरकार में, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गोदाम खाली नहीं है, इसके लिए किसान थोड़ा दोषी है। चलिए, ये थे आरजेडी के MLA सुधाकर सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।